हरसिद्धि मंदिर के सामने दुकान लगाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। हालत ये रही कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर हथियार लेकर टूट पड़े। लड़ाई में एक महिला दुकानदार और एक पुरुष घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल महाकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत हरसिद्धि मंदिर के सामने दुकान लगाने वालों में जमकर लात घूंसे चले। दुकानदार गोदावरी बाई और कन्हैया लाल के परिवार आपस में लड़ लिए। इसमें एक पक्ष से गोदावरी बाई और दूसरे पक्ष से कन्हैया लाल घायल हुए हैं। दोनों ही पक्ष मारपीट के बाद महाकाल थाने पहुंचे और अपनी अपनी तरफ से शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर ली है और जांच कर रही है। गोदावरी बाई ने बताया कि वह दुकान पर जा रही थी, इसी दौरान कन्हैया लाल, उसकी लीला बाई, रवि और जितेंद्र ने विवाद किया। इन्होंने दुकान हटाकर सड़क पर पटक दी और बेटे को मारने लगे। यूं तो झगड़ा होता रहता है, लेकिन रविवार को ज्यादा बहस हो गई। कन्हैया लाल ने कहा कि गोदावरी बाई और उसके लड़कों ने मारपीट की, लड़के ने सब्बल मार दिया। गोदावरी बाई का लड़का हफ्ता वसूली करता है, उसने सीसीटीवी फुटेज देखने की बात की है। ये कन्हैया की मिसेस ने, लीला बाई ने और इसे रवि ने और जितेन ने, हमें दुकान पे जा रही थी, दुकान पे हमारी बंद थी तो देखने गई तो गाली गुलूज देने लगे, अंडसर बात करने लग गए और मेरे बच्चे पे हेवी हो गए और मेरे को शरीर से सब्बल से मारने लग गए, झुमा झटकी करने लग गए। यही दुकानदारी के चक्कर में मेरी दुकान हटा के रोड पे पटक दी। वो हमेशा ही पैसे भी मांगता, हफ्ता भी मांगता हमारी औरत से, कहता 1500 मेरी से, अभी किराए से, अभी किराए से कम से कम 40-50 थैले उसके किराए से दे रखे उसने, गरीब को मार मार के कोई किसी जगह छीन ली ने उसके। बहुत दिन से मेरे अभी तो खुद ही आया ने, खुद ही क्या मालूम माँ बहन की गाली देने लग गया नहीं।